नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां बछवाड़ा हाजीपुर रेलखंड पर मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन के पास से एक महिला का क्षत विक्षत अवस्था में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची मोहिउद्दीन नगर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुट गई है। मृत महिला की पहचान मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर बस्ती गांव निवासी स्वर्गीय सीताराम राय की 45 वर्षीय पत्नी गीता देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में मृतका के बच्चों का बताना है कि मृतका के साथ उसके चाचा दिनेश राय व उनकी चाची ने कल मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उनकी मां घायल हो गई थी, जिसके बाद उसका उपचार कराने की बात बोलकर उनके चाचा व चाची उनकी मां को हाजीपुर ले गए थे, जहां से लौटकर वे नहीं आई और आज उसका शव बरामद किया गया। मृतका के बच्चों ने शक जाहिर किया है कि उनके चाचा और चाची ने ही उसकी मां की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस का कहना है कि घटना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हेलो, हमारे जीजा जी जब से मरे हैं तब से दिनेश राय हमारे बहन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मार पीट हमेशा बराबर मारते पीटते रहता है। मारने के बाद वो पैर तक के तोड़ा है। हम उसको इलाज करवाए हाजीपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में। जब वो सही हुआ उसके बाद फिर वो अपना ससुराल आई। उसका जो बच्चा है गौतम कुमार, उससे दिनेश राय मारपीट करवाते रहते हैं। हमारे जीजा जी का जो भाई है दिनेश राय, मार के रेल लाइन पर उसका लाश को रख दिया है।